हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हार्दिक घर। मेरा नीट स्कोर इस साल 690 है, ऑल इंडिया रैंक 451 है। तो यार, सबसे पहले तो अगर हम ऐसे ही कोई अचीवमेंट सुनते हैं तो हर किसी के दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आता है कि आपने कैसे किया। तो मैं यही कहूंगा यार, सबसे पहला आपने अगर कुछ भी अचीव करना है आपको लाइफ में, तो सबसे पहली थिंग है आपको एक गोल सेट करना है। गोल इन द सेंस, आपने सेट कर लिया कि अब आपने डॉक्टर बनना है तो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो स्टेप है आपको लेना है, वो आपकी है गाइडेंस। आपको गाइडेंस चाहिए कि आप अपने एम तक कैसे पहुंचो। तो उसके लिए आपने जेनेसिस डिजिटल को चुना है, ये प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अब आपका थर्ड स्टेप जो है, आपको कंसिस्टेंटली इसे फॉलो करना है। फॉलो करना है, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक्सपर्टीज ने ये क्वेश्चंस डिजाइन करे हैं आपके लिए स्पेशल फ्रॉम एनसीईआरटी। और मैं अभी आपको, मेरे टॉपर्स जो फ्रेंड्स थे उन्होंने डिस्कशन कराई, और मैं देख रहा था इतनी अच्छी डिस्कशन उन्होंने कराई, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन सारे आपके एनसीईआरटी से हैं, लाइन से फ्रेम्ड हैं, लेकिन उन्होंने आपको इतना एडवांस बताया कि आपका हर जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो यही ट्रस्ट आपको हमेशा जेनेसिस डिजिटल के ऊपर बना के रखना है, ताकि आपका जो नीट में सिलेक्शन है वो 100% श्योर हो। तो मैं आपके साथ अब डिस्कशन करूंगा फोर्थ एंड फिफ्थ वीक की फिजिक्स की एंड फोर्थ वीक केमिस्ट्री की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे पास पहला हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका कि क्या होगा। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स द राइट अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ। Which of the following figure represents the surface of the liquid? Actual में उसने क्या किया? एक हमने बीकर लिया, उसमें हमने क्या फिल किया? वाटर फिल किया। वाटर को हमने, इस बीकर को अब एक ए एक्सेलरेशन दे दी टुवर्ड्स राइट। अब हमें देखना है कि जो ये लिक्विड है, ये इसकी पोजीशन क्या होने वाली है, जो सर एक्चुअली वी आर कंसर्न्ड विद द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इसकी पोजीशन क्या होने वाली है? तो यार, हमने न्यू एक्चुअल में ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बट इसको आप रिलेट कर सकते हो विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स वो कंसेप्ट किस में हम लगाते हैं? जब हमारा, जिस फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है या एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो मेरा फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं ले रहा हूं बीकर को, और इट इज एक्सेलरेटेड विद एक्सेलरेशन ए। तो अब मैं जब इसको रोकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेशन जो है वो पीछे की तरफ लगा देता हूं। जो सूडो फोर्स मैं लगाता हूं, इट इज माइनस ऑफ एम ए, वेयर एम इज द मास ऑफ योर ऑब्जेक्ट एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और माइनस साइन विच डिनोट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो मैंने ये सूडो फोर्स इस लिक्विड पे लगाई। लेट अस सपोज कि इसमें एम मास था वाटर का, और ए एक्सेलरेशन मेरी फ्रेम की है, तो मैंने सूडो फोर्स लगाई इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट साइड में, एंड दैट इज माइनस एम ए, या मैग्निट्यूड उसका होगा सिर्फ और सिर्फ एम ए। तो अब आप देखो यार कि ये जो लिक्विड है, ये कैसे, लिक्विड है, ये कैसे अपने आप को अरेंज करेगा? अब आप एक फोर्स लगा रहे हो इस लिक्विड के ऊपर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इसका जो ये वाला सरफेस है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, और जो ये सरफेस है, ये थोड़ा नीचे आएगा, बिकॉज इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सेम केस आपने पढ़ा होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के एक क्वेश्चन में, मैं आपको उसका एग्जांपल भी कोट कर देता हूं। आपने पढ़ा होगा, एक कार है मेरे पास अगर, और वो आगे ए एक्सेलरेशन से जा रही है, मैंने उसके ऊपर एक पेंडुलम लगा दिया, तो मेरे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट आई थी जो कि पीछे की तरफ थी, दैट वाज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन या मोशन ऑफ द कार। और ये एंगल आपसे पूछा होगा, टैन थीटा जो कि हमारा वैल्यू आई थी ए बाई जी के। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एनालॉगी, बट दिस वाज फ्रॉम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और ये आपका था फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पार्ट।
और यही आपका सही ऑप्शन है. बिकॉज ऑफ दिस आप इसको इमेजिन कर सकते हो ऐसे कि एक इमेजिनरी सूडो फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रही है, इसलिए जो पीछे वाला एंड है वो थोड़ा ऊपर जाएगा. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आया, कई लोग यार इसको देख के डरना नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली हमारा जो नीट का एग्जाम है एनटीए कंडक्ट करता है, सब सोचते हैं कि यार छोटे क्वेश्चन आएंगे, रीड नहीं करना पड़ा. जनरली अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया तो सबको लगता है यार उसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट होगा. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है, एंड देन जस्ट आपको जो बेसिक अप्रोच सिखाई गई है आपके मेंटर्स ने उसको अप्लाई करना है. तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है आपका, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 इन प्रोजेक्टाइल मोशन हैव वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और v2 वेक्टर इज ग्रेटर देन योर v1 वेक्टर. Then they collide at time t naught. Their velocities become v1 dash vector and v2 dash vector at time 2 t naught while still moving in air. The value of this term. यार अब ये term आप इसको ध्यान से देखो. उसने हमें जिस term की value पूछी है वो है m1 b dash vector plus m2 v2 dash vector minus m1 v1 dash vector प्लस m2 या m1 v1 वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी और m2 v2 वेक्टर. उसने हमें इसकी वैल्यू पूछी है. यार मुझे एक चीज दिख रही है, अगर मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो मैं इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस. कैसे लिख सकता हूं मैं इसे, ये लिख सकता हूं m1 v1 डैश वेक्टर माइनस m1 v1 वेक्टर ये प्लस m2 v' वेक्टर v2 डैश वेक्टर माइनस m2 v2 वेक्टर. तो यार ये क्या हुआ, ये हुआ चेंज इन मोमेंटम फॉर द फर्स्ट पार्टिकल और ये हुआ चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर द सेकंड पार्टिकल. इन शॉर्ट उसने क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है, उसने मेरे से पूछा है जस्ट मुझे उसे ये बताना है कि जो मेरा दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम का चेंज है उसका वेक्टर सम मुझे बताना है. ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आपको बताता हूं, सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है, लेट्स सी द सॉल्यूशन. अब अगर मैं दोनों पार्टिकल्स को एज अ सिस्टम लूं तो उनके ऊपर एक नेट फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में which would be m1 plus m2 into g. ये उन दोनों particles के ऊपर force लग रही होगी. Now, जब वो t0 से चलना शुरू करेंगे तो ये constant force उन दोनों particles पे लगेगी, जिसको मैंने एक system assume कर लिया. Now, मेरे पास जो net change in momentum of system, जिसकी value in turn p1 vector, delta p1 vector plus delta p2 vector के equal होगी, upon डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर. ये कहां से पता, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. उन्होंने यही कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर फोर्स वेक्टर. तो अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यूज पुट करनी है. वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं. आई हैव माई डेल्टा पी अपॉन चेंज इन टाइम 2t0 माइनस 0 एंड फोर्स वेक्टर m1 प्लस m2 इनटू जी, यानी कि डेल्टा पी वेक्टर मेरे पास आ गया m1 प्लस m2 इनटू जी इनटू में ट्वाइस ऑफ टी नॉट, यानी कि मेरा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया. एक मिनट, तो मेरा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया. और इस क्वेश्चन में यार स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ बेसिक अप्रोच को फॉलो करना है. कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लगा, जस्ट आपको बेसिक मेथड से हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है. तो गाइज लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसकी प्रैक्टिकल अप्लायंस बहुत है. आप सबने बाईसाइकिल राइड जरूर करी है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आइए हम देखते हैं हमारे ये क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या है, when a bicycle is in its motion, the force of friction exerted by ground on the two wheels is such that it acts. अब मेरे पास ये question क्या कह रहा है,
पहले मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर कर दूं, मेरे पास एक बाइसाइकिल है, मैं यार ड्राइंग मेरी बहुत खराब है तो प्लीज उसको माइंड मत करना। तो ये सपोज कर लो एक बाइसाइकिल है, अब ये जो दो व्हील्स हैं इसने का है जो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये रोड पर मूव करेगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें कमेंट करना। तो ओके यार, आप ना आप क्या करो, आप अपनी बाइसाइकिल को ना कभी भी आप स्टैंड पे लगा के उसको रेस दो, रेस दोगे आप एक चीज देखोगे कि जो आपका पीछे वाला टायर है ना सिर्फ ये मूव करेगा, आगे वाला स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका इंजन है ना वो सिर्फ इस टायर के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसको ऐसे घुमाएगा इन दिस डायरेक्शन, मतलब कि ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इससे ये पार्टिकल क्या होगा पीछे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि इट टेंड्स टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसिस। अब ये जो पार्टिकल है जो टायर का पार्ट कॉन्टैक्ट में है विद ग्राउंड, इसका रिलेट इसकी टेंडेंसी कहाँ है, पीछे जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसे अपोज करेगा और वो आगे लगेगा। समझे आप सब? देखो मैं दोबारा बता देता हूं, हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा ही हमेशा जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है बिटवीन टू सर्फेसेस उसको अपोज करता है। ये पार्टिकल जा रहा है कहां, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स इसे अपोज करने के लिए लगेगा आगे की तरफ। और यार अब फ्रंट व्हील के ऊपर आते हैं, दिस वाज द केस फॉर रियर व्हील, अब मैं आता हूं फ्रंट व्हील के ऊपर। फ्रंट व्हील एक्चुअल में खुद मूव करता है, इंजन सिर्फ हमारा इस व्हील के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रंट व्हील खुद मूव करेगा तो यार इसकी टेंडेंसी किधर होगी, आगे जाने की, मतलब ये जो पॉइंट है कॉन्टैक्ट का ये आगे की तरफ कैसे जाएगा जब इसका रोटेशन कैसा होगा, ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ये जा रहा है तो आगे की तरफ ये जाने, अब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इसके और रोड के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है इसको अपोज करेगा। अब इस पार्टिकल की टेंडेंसी है आगे की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स फ्रंट व्हील के ऊपर लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में ताकि ये इस रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके। तो आइए हम ऑप्शंस में देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील एंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द रियर व्हील। तो यार ये आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन था जो कि आपका NLM से उठाया गया है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना या इनके बारे में सोचना जरूर आना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब एक बार तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब एग्जाम में आएगा तो जरूरी नहीं है कि मुझे ये पूरा केस बना के देखना है, मुझे अब ये क्वेश्चन याद हो गया है। कैसे? बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रंट व्हील, मतलब याद करने का तरीका, फ्रंट व्हील पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और बैकवर्ड यानी कि रियर व्हील पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो या अपने दिमाग में रख सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक ब्लॉक है मास m का जिसको कि मैंने अपने वॉल के अगेंस्ट प्रेस करके रखा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है, मैंने एक फोर्स F लगाई हुई है टुवर्ड्स द वॉल। एक्चुअल में क्या होगा अगर मैं FBD बनाऊं इस ब्लॉक का, मैंने एक फोर्स ऐसे लगाई, ये ब्लॉक क्या करेगा यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगी इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ लगेगी। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में होगा यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू म्यू इंटू एन होगी, म्यू इस सरफेस का कोफिशिएंट होगा जो हमें दिया होगा और ये होगा मेरे पास mg। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्टेट उसने दिया हुआ है कि ये मूव नहीं कर रहा क्वेश्चन में, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दैट क्योंकि इक्विलिब्रियम है F इज इक्वल टू n एंड म्यू mg, या मैं लिख दू म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mg, ये चीज फॉलो होगी। अब उसने मुझे कहा है कि मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इस क्वेश्चन में। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि F is a frictional force, small f denotes the frictional force here, frictional force is equal to mg where F is a frictional force, तो बिल्कुल ठीक है यार, यहाँ पर F जो frictional force लगा वो mg के इक्वल होगा तभी वर्टिकल में ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। देन योर कैपिटल F force is equal to the normal reaction, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इसी से हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। देन यू हैव F will not produce any torque, and then you have n will not produce any torque. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में मुझे देखना है, अब मैं आपको बताता हूं ये स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें देखना होगा।
इसने कहा है एफ कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा और एन कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। यार अब देखो ये जो मेरे पास ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे दीवार से अटैच है, मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख रहा हूं, इस पे मेरे पास फ्रिक्शन, ये फोर्स जो है ये लग रहा है एफ का, और एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। अब अगर मैं यार ये पॉइंट देखूं, ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लूं, तो मेरा एफ का टॉर्क किधर आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और एन का टॉर्क किधर आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि दोनों के टॉर्क्स, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास परपेंडिकुलर सेम है, तो दोनों का टॉर्क्स का जो मैग्नीट्यूड होगा टाउ ड्यू टू एन मैग्नीट्यूड और टाउ ड्यू टू एफ मैग्नीट्यूड, ये दोनों का बराबर होगा और डायरेक्शंस इनकी अपोजिट होंगी। किस लिए? टू मेंटेन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यार एफ भी मेरा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी मेरा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कंडीशन प्रोवाइडेड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की जो एक्शन का डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, ताकि मेरा जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। तो आपके पास सी और डी स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर सिंगल करेक्ट की वजह से ऑप्शन में आपको सिर्फ डी दिया हुआ है, लेकिन अगर डी स्टेटमेंट एन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो आपका एफ जो फोर्स है वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अ स्मॉल ब्लॉक इज शॉट इनटू ईच, एक्चुअल मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने फोर केसेस लिए हैं, इसमें एक ब्लॉक है जिसको वी वेलोसिटी से हमने शॉर्ट करा है, ये सारे डिफरेंट रेडियाई के सर्कुलर ट्रैक्स हैं जिसपे कि ये जा रहा है। अब उसने मुझे कहा है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन किस केस में मैक्सिमम होगा वो उसके ऊपर कमेंट करना। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका बेसिकली सर्कुलर मोशन से है, सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। हम जनरली पहले केस देख लेते हैं सर्कुलर मोशन का ही, जिससे कि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो जब मैं सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखता हूं बॉडी को, तो एक्चुअल में दो फोर्सेस नीचे की तरफ, एक mg लग रही होती है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है इस ब्लॉक के ऊपर, जो कि मेरा एक्ट करते हैं सेंट्रीपेटल फोर्सेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल। देखो mg प्लस n को मैं क्या लिख सकता हूं, mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि आप दो केसेस होते हैं, एक तो लोअर मोस्ट पॉइंट और एक अपर मोस्ट पॉइंट, इसमें ऊपर n माइनस mg हो जाता है और नीचे इसमें mg प्लस n हो जाता है। तो अब ये कंडीशन है तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख सकता हूं, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। यार अब ये टर्म और ये टर्म दोनों ही या चारों ही केसेस के लिए सेम होने वाली है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट फिक्स्ड वैल्यूज। अब मेरा जो गेम होगा वो होगा आर का रेडियस, जो कर्वेचर रेडियस होगा उस पर डिपेंड करेगा। यार अब देखो जहां पर मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे छोटा होगा वहां पर ये पूरी वैल्यू बड़ी होगी और जो डिफरेंस आएगा वो भी बड़ा आएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जहां पर भी हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, आर की वैल्यू जहां पर सबसे छोटी होगी वहां पर ये टर्म सबसे बड़ी होगी, बिकॉज हम छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उतना ही डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में हमें देखना है कहां पर हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे छोटा है। तो ए ऑप्शन में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सबसे छोटा है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ए पार्ट में सबसे ज्यादा होगी। तो आपका आंसर ए पार्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं पहले कि क्या कहा है। उसने मुझे कहा है कि ये एक रफ सरफेस है या रफ वेज है जिसपे मैंने एक ब्लॉक को ऐसे फिक्स करा हुआ है। फिक्स करा हुआ है मतलब इट्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इस पे एक 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और ये एंगल जो है वो थीटा है, थीटा या एंगल ऑफ वेज जो है वो एक थीटा एंगल है। तो अब मुझे केसेस बताने हैं कि थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में रिलेशन बताना है। तो फ्रेंड्स लेट्स सी इट कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक केस तो देखो यार, जब एक फोर्स इस पे mg का कंपोनेंट लग रहा होगा ऐसे और एक ऐसे, हम सबने करा हुआ mg cos थीटा
एंड नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका कॉम्पोनेंट जो है वो एम जी साइन थीटा विच इज अलोंग द वेज डायरेक्शन एंड दिस इज एम जी कॉस थीटा. अब यहाँ पर ये एंगल मेरा थीटा, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल भी मेरा थीटा. अब मैं इसका कॉम्पोनेंट तोड़ूंगा वन न्यूटन फोर्स का, तो ये कितना होगा वन इंटू में कॉस थीटा. अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो यार हमारे पास अब केसेस बनेंगे. यहां पर पहला केस क्या हो, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो, तब क्या होगा मेरा mg sin थीटा इक्वल हो किसके, cos थीटा के. तो mg मेरा है 0.1 × 10 व्हिच इज इन टर्न 1, तो मेरा केस क्या बन गया, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री, क्योंकि sin थीटा एंड cos थीटा आर इक्वल एट 45 डिग्री एंगल एंड देयर वैल्यू इज 1/√2. तो आपके लिए फर्स्ट केस तो ये हो गया कि यार थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे ये ब्लॉक स्टेशनरी होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा. नेक्स्ट आपके पास केस क्या बन सकता है, उस केस को देखते हैं हम. केस क्या बन सकता है यार, अब मेरे पास ब्लॉक है और फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो गया. यहां पर मेरे पास जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो साइन थीटा है. मैंने मान लिया कि फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एफ, और यहीं पर एक कंपोनेंट लग रहा है कॉस थीटा. अभी हमने ऊपर देखा वन इंटू में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कंपोनेंट या वन न्यूटन फोर्स का कॉस कंपोनेंट. तो अब इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं यहां से, साइन थीटा is equal to f plus cos theta. अब देखो यार, जब अगर मैं थीटा को 45 से बड़ी वैल्यू दूं, तो मेरे पास sin थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, मतलब मेरा sin और cos थीटा जो फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं. अगर मैं sin थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 45 या 45 से ज्यादा डालू, तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कॉस थीटा को 60 डाल दिया, तो कॉस थीटा इज, यहां से मैं लिख सकता हूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं, साइन थीटा वुड बी ग्रेटर देन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से बड़ा होना चाहिए. थीटा 60 के लिए कॉस थीटा इज 0.5 1/2 एंड साइन थीटा इज √3/2 विच इज नियरली इक्वल टू 0.8, यानी कि ये केस भी पॉसिबल है. तब फ्रिक्शन जो है वो डिजायर्ड हमारा रोल प्ले करेगा. तो मतलब ये केस जो मैंने बनाया ये बिल्कुल ठीक है, ये केस ठीक है. तो जब थीटा 45 से ग्रेटर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरा टुवर्ड्स क्यू एक्ट कर रही है. आप समझे, हमारे पास दो केस बनेंगे, या तो फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स पी या फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स क्यू. तो हमारा थीटा ग्रेटर देन 45 पे फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज एक्टिंग टुवर्ड्स क्यू, यानी कि इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये केस हमने अभी देखा, इट्स पॉसिबल. तो मेरे पास जो दो स्टेटमेंट्स हैं सही, वो ए एंड सी हैं. ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है यार इसमें, क्योंकि सिंगल ऑप्शन हम कर सकते थे, इसलिए ए पार्ट को सही दिया, लेकिन सी पार्ट भी बिल्कुल ठीक है. और जो इसका रिवर्स होगा वो हमारा दूसरे के लिए पॉसिबल हो जाएगा, मतलब थीटा लेस देन 45 के लिए हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पी की तरफ एक्ट करेगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. और थीटा ग्रेटर देन 45 के लिए क्यू की तरफ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई. यार अब ऐसे क्वेश्चन देख के सबके दिमाग में ये आता है यार कि इन क्वेश्चंस में हमें इतना सोचना पड़ रहा है, क्या ये हमारे नीट के लिए इम्पोर्टेंट या रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं? तो यार मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल रेलेवेंट है. एक्सपर्टीज ने आपको डिजाइन करे हैं ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए. क्यों डिजाइन करे हैं, ताकि ये क्वेश्चन आर कंसेप्ट बिल्डिंग, देयर कंसेप्चुअल क्वेश्चन. इनमें आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत, पेन की जरूरत नहीं है, इनमें आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा. These are the questions in which we have to think. और सोचने से क्या होगा, हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा बनेगा, जिससे कि हम, और अगर आपने इस साल का पेपर देखा होगा नीट 2021 का, उसमें हर जगह रिव्यूज है कि फिजिक्स का जो लेवल था वो थोड़ा लास्ट ईयर के कंपेरिजन में हाई था या टफ था. वो हाई या टफ डिपेंड होता है द questions, द टाइप ऑफ questions यू प्रैक्टिस. अगर आप ऐसे कंसेप्चुअल questions को प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए वो questions आसान होंगे, लेकिन अगर आप थोड़े हल्के क्वेश्चन स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करोगे तो आपको उन क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है. तो मैं कहूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, और बट इन अ लिमिट. मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही जेई एडवांस लेवल तक पहुंच जाओ और उनके लिए मतलब प्रिपेयर करना शुरू कर दो, लेकिन आपको
थोड़े मतलब हर चैप्टर के नियरली 15 टू 20 बेटर या बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही चाहिए ताकि उससे आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा पेन का यूज नहीं करूंगा मैं. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है. इसमें हमने एक क्वाड्रेंट लिया, सर्कुलर क्वाड्रेंट, वायर है ये. इसमें हमने एक पार्टिकल को ऐसे यहाँ रख दिया. अब आपको पता है यार मैंने इसको स्लाइटली पुश करा तो ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. क्यों? क्योंकि एक रिजिड वायर है. इसको मैंने हल्का सा पुश करा, ये स्लाइड करके यहाँ पे पहुंच जाएगा. उसने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो नॉर्मल रिएक्शन ये बीड मेरा वायर के ऊपर लगाएगा उसकी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन के बारे में पूछा. तो मैं रैंडम मान लेता हूँ कि यहाँ पर एट एन एंगल थीटा ये बीड मेरे पास पहुंच गया फ्रॉम द वर्टिकल एंगल थीटा. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर mg एक लग रहा होगा और इसने इसे नीचे दबाया होगा तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. नॉर्मल रिएक्शन ये एंगल थीटा. यहाँ से मैं आपको पास क्या क्या देख रहे हैं आप, मैं अगर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखूं, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. तो n आपका यहाँ पे क्या आ गया, n आ गया आपका mg cos थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर. तो अब आप देखो इनिशियली बीड पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बाहर की तरफ लग रहा है, यानी कि बीड ने वायर को अंदर की तरफ दबाया होगा. बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शंस. मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन एक्शन जो होगा उनका वो अपोजिट डायरेक्शंस में होगा. तो बीड पे अगर रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो इसके ऊपर इनिशियली नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लग रहा होगा. तो जो इनिशियल पार्ट है मेरा उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड्स इनवर्ड्स. अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू 90 डाल दूं यानी कि मेरा बीड यहां पहुंच गया, आप देखोगे जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है बिकॉज दिस वुड बिकम जीरो. And minus mv square by r is normal reaction, which is not possible. हमने पढ़ा है कि जो ये equations हम लिखते हैं इनसे हमारे पास forces का magnitude आता है and magnitude can never be negative. तो यहाँ पर चीजें उल्टी हो जाएंगी, चीजें पलट जाएंगी. क्या होगा, जब ये थोड़ा नीचे आएगा तो आपका normal reaction bead के ऊपर अंदर की तरफ लगेगा और इससे अपोजिट जो है वो वायर के ऊपर लगेगा तो वो आउटवर्ड होगा. तो यार ये क्वेश्चन भी आपका मैथ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा, हम इसे थोड़ा और एनालाइज करते हैं ताकि हमें अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो. तो मैं आपको एक और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा इसे समझाने की. देखो यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बीड को पकड़ता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ये रेडियल डायरेक्शन है, ये मेरा बीड है, ये ऐसे जा रहा है, इस पे ऐसे mg लग रहा है. यहाँ पर आप देखोगे cos थीटा, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा हमेशा ही इस जो वायर है इसको दबा रहा होगा इनवर्ड, जिससे कि नॉर्मल रिएक्शन बीड के ऊपर आउटवर्ड लग रहा होगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन. और ये mg cos थीटा माइनस n मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स विच वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. लेकिन अब आप जरा इस पॉइंट को देखिए, यहां पर जो रेडियल डायरेक्शन है और mg है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब mg का कोई भी कॉम्पोनेंट इस रेडियल डायरेक्शन के अलोंग आने ही नहीं वाला बिकॉज mg cos 90 वुड बी जीरो. तो यहां पर अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल d थीटा एंगल पे, यहाँ पर भी क्या होगा, बिल्कुल हम फिजिक्स में थोड़ा छोटे जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं उन पे भी हमें वर्क करना पड़ेगा. तो मैं d थीटा एंगल थोड़ा ऊपर जाऊंगा तब क्या होगा, तब भी मेरे पास जो mg है वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ पर मेरा mg जो कि मुझे सेंट्रीपेटल फोर्स mg का कॉम्पोनेंट जो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, अब वो यहाँ पर इस छोटे से डीएल पाथ के लिए वो फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है. लेकिन हमें तो सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जरूरी चाहिए ही चाहिए ताकि ये पार्ट ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए. तो इसमें अब रोल प्ले आएगा नॉर्मल रिएक्शन का. जो नॉर्मल रिएक्शन है
वो पार्टिकल को अंदर की तरफ लगेगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स. और यहां पर अब पार्टिकल पे अगर अंदर की तरफ लग रहा है तो पार्टिकल ने जो हमारी वायर है उसके बाहर की तरफ उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा. आप मैथ्स की जो हमने अभी इक्वेशन बनाई है कि m is mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, इसमें हमने थीटा कहां से लिया है, फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन. इसमें आप देखोगे जब मैं थीटा की बहुत बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं यानी कि 90 डिग्री, तब मेरा नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो रहा है. मतलब कि जो लास्ट का कुछ फेज होगा सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने का, इसमें मेरा नॉर्मल रिएक्शन बाय द बीड ऑन द वायर वुड बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन. और इनिशियली जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा वो बाय द बीड ऑन द वायर वुड बी इनवर्ड डायरेक्शन. तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, रेडियली इनवर्ड्स इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड्स लेटर. तो यार ये कंसेप्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है. सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस क्वेश्चन में कवर हुए. मैं जरूर आपको कहूंगा कि आपको कोई भी अगर इसके किसी भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज हमारे कॉन्सेप्ट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे आपकी हर डाउट आपकी हर क्वेरी को आंसर करने के लिए. सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इस क्वेश्चन में गाइस हमें क्या कहा हुआ है, हमने दो वो लिए हुए हैं स्प्रिंग बैलेंसेस और उनको एक दूसरे के साथ टाई कर दिया. तो अब हम देखते हैं एक्चुअली दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, इसकी फिगर देख लेते हैं. दो स्प्रिंग बैलेंस हमें दिए हुए हैं, इनको हमने टाई कर दिया एक दूसरे के साथ. अब टाई कर दिया और इस वाले के साथ मैंने एक एम मास को टाई कर दिया. तो अब उसने मुझे पूछा है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की रीडिंग्स के ऊपर मुझे कमेंट करना है. सॉरी अब यहां पर इस एम को नीचे एम जी फोर्स लग रहा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर, इसमें एक जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस होगा ड्यू टू फर्स्ट स्प्रिंग, इसको मैं फर्स्ट कह देता हूं, इसको मैं सेकेंड. तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है मास. तो एफ एस ड्यू टू वन इज इक्वल टू एम जी और एफ एस ड्यू टू वन, और यहां पर इसके नीचे एक फोर्स यहाँ आया एफ एस वन इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर और ऊपर इसके ऊपर लग रहा होगा एक एफ एस टू फोर्स विच इज ड्यू टू द स्प्रिंग बैलेंस नंबर टू. तो वो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा एफ एस वन जो है वो एफ एस टू के इक्वल है. तो एफ एस वन और एफ एस टू इक्वल है और एफ एस वन मेरा एम जी के इक्वल है, तो यानी एफ एस वन इज इक्वल टू एफ एस टू विच इज इन टर्न इक्वल टू एम जी. तो मुझे बस यही बताना है. तो द रीडिंग ऑफ द टू स्केल्स कैन बी एनीथिंग. तो मैं अब ऑप्शंस देखता हूँ, ऑप्शंस मेरा कौन सा करेक्ट होगा. बोथ द स्केल्स रीड एम के जी ईच, दोनों ही स्केल्स जो है मेरे एम जी रीड कर रहे हैं, इसमें भी रीडिंग एम जी आ रही है, इसमें भी रीडिंग एम जी आ रही है. तो यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हुआ, बाकी ऑप्शन आर रॉन्ग, दे आर नॉट राइट. सो गाइस लेट्स ये हमारा फोर्थ वीक का फिजिक्स पोर्शन डिस्कस हो गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वीक. फिफ्थ वीक के फिजिक्स क्वेश्चंस में हम मूव करते हैं. यार मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग नहीं, रिगार्डिंग नीट गाइडेंस या आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, प्लीज हमें बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आपको बेस्ट जो है, क्योंकि वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद Each and every student who is associated with us, उसको हम अपनी तरफ से बेस्ट दें और हर एक स्टूडेंट जो Genesis Digital Platform से जुड़ा हुआ है उनका नीट में अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हो. तो गाइज ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद फिफ्थ वीक पे हम आ चुके हैं फिजिक्स के लिए. इस पे अब ये चीज हम कर अब इसके ऊपर हम बात करते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन है गाइज, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ कांस्टेंट पावर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट. मेरे पास एक पार्टिकल है, उसकी जो है पावर जिसमें कि वो उसको एक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट है. तो यार अब मैं इसको सिंपली पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉन्स्टेंट. यानी कि अब मेरा पार्टिकल मोशन में है तो मैं किस टाइप की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज मूविंग पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी. तो रेट ऑफ चेंज मैं क्या कह सकता हूँ इस स्टेटमेंट के लिए, इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके, जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो कॉन्स्टेंट हो गया. तो मेरा ऑप्शन सेकेंड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है
वो क्या हो रहा है कॉन्स्टेंट. तो इट वॉज मतलब इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, इट्स जस्ट अ कंसेप्चुअल या मैं कहूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि इफ द फोर्स एक्टेड अपॉन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड देन काइनेटिक एनर्जी इज. हमें क्या कहा गया है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है. तो मैं फोर्स को मैंने एक जनरल टर्म ले लिया कॉन्स्टेंट के टू विड्रॉ द प्रोपोर्शनैलिटी. तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दिया. फोर्स इज इक्वल टू केवी मेरा फंक्शन हो गया. अब उसने मुझे कहा है काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में रिलेशन. तो यार आपको पता है मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू डीवी बाई डीटी, और ये मेरा किसके इक्वल है के विच इज सम कॉन्स्टेंट अपॉन वी. अब मैं v को इस तरफ ले जाता हूं, यार v को मैं इस तरफ ले जाता हूं और उसके बाद हम देखते हैं. तो लेट्स सी, मेरे पास ये फंक्शन बन गया फाइनली v dv इज इक्वल टू k बाय m इंटू dt. मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूं. लेट मी इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो गाइज मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास लेट्स सी जो फंक्शन बनेगा, इस फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट कर दिया. मैंने करा v square by 2 is equal to k by m into t plus some constant, क्योंकि मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की है. जब भी आपको लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन दी हो तब तो आप नॉर्मल लिमिट्स के साथ करें, लेकिन जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट जरूर आता है. जनरली हर कोई इसे लगाना भूल जाता है लेकिन आपको जरूर लगाना है. अब यहां पर मैं क्या देखता हूं, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन चाहिए. मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूं यार इस इक्वेशन को. यहां m से मल्टीप्लाई करें इट बिकम्स mv स्क्वायर बाय 2. ये मेरा m कैंसिल हो गया और यहां पर भी मेरा m आ गया. अब ये टर्म क्या है, इट्स हाफ mv स्क्वायर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t विच इज लीनियरली रिलेटेड. लीनियरली यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस थोड़े बता देता हूँ. लीनियर रिलेशन विद टाइम एक इक्वेशन बन रही है. लीनियर इक्वेशंस आपने जरूर पढ़ी होंगी. लीनियर इक्वेशंस हाईएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल इज 1 एंड यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. तो आपका लीनियर रिलेटेड विद टाइम करेक्ट आंसर होगा. इनवर्सली मतलब इनवर्स रिलेशन 1/t विच हमारा ऑप्शन में है लेकिन ये आ नहीं रहा. इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ टाइम यानी कि 1/t² के प्रोपोर्शनल, वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, लीनियरली रिलेटेड टू टाइम. और मेरा फंक्शन क्या बना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज के टी प्लस सम कॉन्स्टेंट टर्म. तो ये मेरा क्वेश्चन ये हो गया. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यार इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो यार इसकी स्टेटमेंट में शायद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है, या तो कुछ इनकम्प्लीट है क्योंकि ऑप्शंस के साथ इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है. अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आई है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम आगे से ऐसी गलतियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें. वैसे तो यार बहुत सारे टीचर्स आपको प्रूफ रीडिंग के साथ क्वेश्चन आपके डलते हैं, एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है तो आप प्लीज उसे इग्नोर ही करें. बाकी मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. इसमें है a force of 14 newton is applied on a body of mass 4 kg resting on a horizontal body. यानी कि एक horizontal एक body है, horizontal surface पे rest कर रही है, इस पे 14 newton का force लगाया मैंने. अब उसने कहा है कि by the time it moves a distance of 2 meter, इसका जो kinetic energy का gain है वो 20 joule का है. अब आपको ये चीज पढ़ते ही या ये terms पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए work energy theorem. When you want to relate the work done by forces on a body to the kinetic gain or loss in kinetic energy, आपको kinetic जो हमारा work energy theorem है उसके ऊपर जरूर देखना चाहिए. अब work done by all the forces यानी कि 14 into 2 plus में work done by friction force would be equal to my change in kinetic energy which is of 20 joule. Now work done by the force is Now, अब यहां से मैं देखूं तो work done by friction comes out to be -8 और friction force into में displacement. Friction force का work आपने देखा है negative आया. क्यों? क्योंकि friction force हमेशा जो relative motion है उसे oppose करती है. अगर ये body आगे की तरफ जा रही है, इसने यहाँ आगे की तरफ 2 meter distance cover करा है तो friction force ऐसे लगेगी.
तो F into mass into में cos 180 which is minus 1. तो यहां से आपके पास friction force into 2 comes out to be minus 8. Friction force आपके पास आ रही है minus 4. Minus 4 यानी कि minus sign denotes that कि आपका जो friction force है वो backward direction में लग रही है. तो इस question इसमें options थोड़े relevant नहीं है. तो इसके लिए या तो इसकी स्टेटमेंट हम रेक्टिफाई आपको जरूर करके बताएंगे. अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले तो आपका आंसर शुड बी फ्रिक्शन फोर्सेस माइनस फोर. माइनस फोर माइनस डिनोट्स द बैकवर्ड डायरेक्शन और द नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट इट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द रिलेटिव मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. बॉडी इज बींग रेज टू हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. वट इज द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पेक्टिवली. क्या करा हमने, हमने एक बॉडी को सरफेस से उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाना शुरू करा बाय अप्लाइंग अ फोर्स. जनरली हम क्या करते हैं, स्लोली बॉडी को मूव लेके स्लोली बॉडी को ऊपर की तरफ या ऐसे जो जनरल केसेस होते हैं हम बहुत स्लोली लेके जाते हैं. स्लोली मतलब हमारा हमेशा जो है बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. तो यहाँ पर एफ जो है वो मेरा एम जी के इक्वल होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब नेट फोर्स ही जीरो है तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपने आप जीरो होगा. वही मतलब होता है आपका व्हेन यू आर मूविंग अ बॉडी वेरी स्लोली. अब उसने पूछा है यार कि साइन ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. डिस्प्लेसमेंट मेरी अपर डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स भी मेरा अपर डायरेक्शन में है, तो इसका वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव. बिकॉज वर्क डन क्या है, एफ डॉट डी वेक्टर, एफ इंटू डी इंटू में कॉस ऑफ जीरो. कॉस ऑफ जीरो इज वन, तो ये पॉजिटिव. अब आप देखोगे mg, it is acting opposite at an angle 180 degree to the displacement. तो आपका फोर्स जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटी वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव. बिकॉज मैं क्या लिख सकता हूँ, mg into d into में cos of 180. cos of 180 is minus 1. तो ये फोर्स हो गया माइनस mgd और इसका फोर्स हो गया mgd. और आप देख रहे हो यहाँ से भी कि नेट फोर्स जो नेट वर्क डन आया बाय The net force on the body is zero. तो ये question भी आपका बहुत simple था, ज़्यादा इसमें कुछ आपको सोचना नहीं था. तो यार guys, next question देखते हैं हम. ये भी बहुत अच्छा question है, बहुत conceptual question है, इसमें आपको देखना होगा. मैं पहले आपको sorry कह देता हूँ क्योंकि इसका जो answer है ये actually B part दिया हुआ है, but it is not the answer. ये multiple choice का question है, इसमें आपके answers जो है वो A, B. बी पार्ट नहीं होगा, ए सी एंड डी पार्ट है. मैं दिखाता हूं आपको कैसे. एक्चुअल में ना इसने लिखा हुआ है कि नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ. तो उसने कहा है कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं तब मेरे पास जो है उस पे उसका जो वर्क डन बाय फोर्स है वो जीरो हो जाए. तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं यार, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी. ये स्टेटमेंट पढ़ते ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन देखिए, वेलोसिटी हमेशा ही जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसके परपेंडिकुलर है. एंड यस, इस छोटी सी डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मेरा एंगल है फोर्स और उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में वो 90 है. तो वर्क डन इज एफ डॉट डीएस कॉस 90 व्हिच बिकम्स जीरो. तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स अगर फोर्स बिल्कुल हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए. सेकेंड स्टेटमेंट इज द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन और फोर्स परपेंडिकुलर हो गई, ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है. कैसे, अगर मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ तो मेरी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी. बिकॉज आई एम जस्ट कंसर्न टू दिस अप्लाइड फोर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स. कि आप कहो कि और फोर्सेज भी तो लग रही होंगी, उनकी वजह से अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हमारे पास एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में आ जाए. मुझे इस फोर्स और इसी की एक्सेलरेशन के ऊपर कंसर्न है. तो अब इन दोनों में एंगल हमेशा जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगी, या एंगल भी हुआ तो इट इज नॉट गोइंग टू बी 90 डिग्री. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, इसमें वर्क डन जरूर होगा फोर्स से. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेरी, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट. अब ये केस मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको इलैबोरेट करके. ये केस मुझे क्या कह रहा है कि मेरा जो ये मान लीजिए ये मेरी एक बॉडी है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूँ. आप अपनी ना टेबल एक लीजिए और उसके ऊपर ना हाथ से ऐसे फोर्स लगाइए, या देखो मैं ये बोर्ड है इस पे ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ. ये बोर्ड तो क्या है, स्टेशनरी,
लेकिन जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये देखो ये पाथ फॉलो कर रहा है, देखा आपने? मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ये जो लाइन एक्चुअली आ रही है ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मोशन ही है। तो ये बिल्कुल सेम केस है। अब आप देखो यार, मैंने फोर्स लगाया लेकिन क्या इस बॉडी की कोई डिस्प्लेसमेंट हुई? नो। तो मेरे पास एफ डॉट डी एस, जब डी एस ही जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा, तो मेरा थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फोर्थ स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा अलग केस है, मैं आपको बताता हूँ। इसने लिखा है द ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड। मतलब कि अब आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता या मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप, हम वॉक करते हैं, जब व्हेन वी आर वॉकिंग, मतलब हम फ्लोर पे वॉक कर रहे हैं, तब क्या होगा? मान लीजिए ये एक इंसान है जो कि इसके ऊपर वॉक कर रहा है। अब आप क्या करते हो, जब आप एक स्टेप लेते हो, आपका एक पैर फिक्स होता है जो कि नॉर्मल रिएक्शन रोड को देता है टुवर्ड्स इनसाइड, इस केस में इनसाइड, और जो दूसरा स्टेप होता है वो फॉरवर्ड जाता है। आप इमेजिन करो, आप रोड पर खड़े हो, आपका एक पैर, जब आप पहला अपना स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका एक पैर जो आपकी रोड है उसको अंदर की तरफ दबा रहा होगा, और जो दूसरा पैर है वो आगे की तरफ जा रहा होगा। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो आपका पैर है वो नॉर्मली 90 डिग्री टू द रोड, और वो एंगल, जैसे ये देखो, ये आपका अंदर की तरफ आपने दबाया, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन आपके ऊपर ऊपर की तरफ लगा, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ हुई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, इसलिए इसका वर्क डन भी जीरो है। ये केस बहुत अच्छा केस है, क्योंकि जनरली हमें ऐसी स्टेटमेंट्स समझ नहीं आती। तो मैं जरूर कहूंगा कि यार ऐसे इन टाइप के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो यार इसके आंसर्स ए सी एंड डी तीनों पार्ट्स होंगे, बी इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कह रहा है, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर ईच आर स्ट्रेस्ड बाय टू फोर्सेस इक्वल टू 100 एंड 200 न्यूटन, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना। अब यार दो स्प्रिंग्स हैं, दो स्प्रिंग्स का जो के हम कांस्टेंट लिखते हैं वो सेम है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको एक्चुअल फॉर्मूला बताता हूँ। एक्चुअल फॉर्मूला इज डेल्टा यू इज हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। कभी भी आपको जरूरत हो ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो u इनिशियल है स्प्रिंग की उसे जीरो लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, u फाइनल माइनस u इनिशियल वर्सेस जीरो, एंड x इनिशियल जब स्ट्रेच नहीं है तब भी जीरो, तो u मेरा हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। लेकिन अगर मेरी अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ स्प्रिंग में स्टोर्ड हुई, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। आपको तब बेसिक फॉर्मूला को लगाना है। तो आप स्टार्टिंग से ही इस फॉर्मूला को याद रखें, क्योंकि इससे आप ये आसानी से डिराइव कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर मेरा पार्ट है, मेरे को इसके अंदर वैल्यूज ही डालनी है बस। मुझे क्या करना है, यू इज इक्वल टू हाफ इंटू के। नाउ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माई एफ फॉर स्प्रिंग इज के इंटू एक्स। ऑब्वियस ही बात है, जो डायरेक्शन माइनस के एक्स लिखते हैं, बिकॉज इट इज It acts opposite to the direction, लेकिन मैं यहाँ से magnitude की बात कर रहा हूँ। तो मेरा x जो होगा, उसको मैं f by k लिख सकता हूँ। तो first case के लिए मेरे पास क्योंकि forces different है, it would be f1 by k का square in first case, and u2 would be half k f2 upon k का whole square। अब आप यार इनका ratio लो, u1 upon u2 comes out to be, they are nothing but just the रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड, यानी कि यू वन अपॉन यू टू मेरे पास आएगा एफ वन अपॉन एफ टू का होल स्क्वायर। एफ वन अपॉन एफ टू का होल स्क्वायर करूंगा तो वन अपॉन टू, उसका स्क्वायर वन अपॉन फोर। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, वन अपॉन फोर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सेम कंसेप्ट का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, फोर्सेज सेम लगाई थी, फोर्सेज डिफरेंट लगाई थी, और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रखा था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का अलग कर दिया दोनों स्प्रिंग्स के लिए, और फोर्सेस सेम रखी। तो इसमें भी मुझे कुछ नहीं करना है,
इसमें भी मुझे यही बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है मेरा, u is equal to half k x square. अब इसमें क्या होगा, फॉर द फर्स्ट केस या a केस के लिए कह दूं, तो हाफ ऑफ k a square k a इनटू में f square अपॉन k a square. यहां से मेरे पास क्या आ गया, बेसिक फॉर्मूला f square अपॉन ट्वाइस ऑफ k a. अब आप देख रहे हो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज सेम. क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट हो गई और ये इनवर्स रिलेशन आ गया, तो अब मुझे रेशियो लेना है. तो रेशियो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, यू ए अपॉन यू बी बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन इज के बी अपॉन के ए. K A is twice of K B, तो इसको मैं क्या लिख दूं, twice of K B. तो ratio आपके पास 1:2 आ गई. Now आपको A में energy stored E दी है, तो U B की आपको निकालना है value, तो 1/2. यहाँ से आप देख रहे हो U B comes out to be 2E. तो ये आपका बिल्कुल same concept का question था, बस हमने थोड़ा data reverse कर दिया. तो ऐसे questions भी आपको practice करने ही हैं. और guys मैं फिर repeat कर रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस या नीट की प्रिपरेशन में आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप प्लीज हमें कमेंट करें, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़े, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे. तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. यार नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इन अ वर्टिकल सर्कल द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज √3gL, तो द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज गिवन बाय. अब मेरे पास एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसमें मेरे पास जो ये पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पर इसके पास जो वेलोसिटी है वो √3gL गिवन है. तो यार कुछ नहीं, सिंपल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है. ऊपर टेंशन, ये हमने यहाँ पे इसे टाई करा हुआ है, टेंशन फोर्स नीचे लग रहा है mg, तो t माइनस mg इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स विच वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर 3gL बाय रेडियस, कितना होगा लेंथ l ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये आपके पास आ गया, टेंशन कम्स आउट टू बी 4mg. बहुत सिंपल क्वेश्चन, ए आपका आंसर, ए पार्ट आपका आंसर आ गया. नाउ गो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है यार, ये फिगर आप सबने देखी है, फिगर में इसने क्या कहा है, ए से हमने एक पार्टिकल को रेस्ट से थोड़ा धक्का सा दे दिया जिससे कि वो एक कर्व्ड पाथ पे आएगा. अब उसने मुझे कहा है कि मुझे बी पर जब वो पार्टिकल पहुंच गया उसकी वेलोसिटी बतानी है. यार ए पे इसके पास सिर्फ, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें करूंगा एनर्जी कंजर्वेशन. क्या, यू एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू यू एट बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज एम जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट ए इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज एम जी बाय टू प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी. So, kinetic energy at B मेरे पास क्या आ गया, mg by 2. Kinetic energy at B को मैं लिख सकता हूँ half m vb square is equal to mg by 2. m by 2 से m by 2 cancel. V मेरे पास आ गया root g या under root 10. तो मेरा correct option क्या हो गया, under root 10. हर किसी ने यही answer करा, तो well done guys. ऐसे ही आपको हर question का सही answer करना है या निकालने की कोशिश करनी है. Next question हम देखते हैं हमारे पास क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोस वन डी मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इन टाइम टी टू द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू. वन डी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है मेरा, एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यार. इसमें मेरे पास क्या है, हमने कॉन्स्टेंट पावर इसको डिलीवर करी है इस, या ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक्चुअल में इसने कहा है कि ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से वन डी मोशन कर रहा है, इसकी पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी उसने हमसे पूछा. तो यार मेरे पास इस पार्टिकल के पास होगी काइनेटिक एनर्जी विच वुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. वी को मैं क्या लिख सकता हूं, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी से यू इज जीरो, वी बिकम्स ए इनटू टी. सो ये हो गया ए इनटू टी का स्क्वायर. तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ गई हाफ एम ए स्क्वायर इनटू में टी स्क्वायर. अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम है. अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास पावर आ जाएगी. सो आई एम गोइंग फॉर डी के अपॉन डी टी वुड बी हाफ एम इनटू में ए स्क्वायर इनटू में ट्वाइस ऑफ टी. ये टू से टू कैंसिल और ये मेरी टर्म हो गई पावर विच इज प्रोपोर्शनल टू
टी, तो आपका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट टी की पावर वन। तो यार मेरी फिजिक्स जो है फिफ्थ वीक की कंप्लीट हो गई है, अब हमारे पास फोर्थ वीक की केमिस्ट्री है विच इज द लास्ट क्वेश्चन, तो हम उसके ऊपर चलते हैं। गाइज मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ कि यार कभी भी करना मत छोड़ो अपना पढ़ाई, हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी जो है उसे मेंटेन रखो, क्योंकि आपको लगता होगा कि यार जो टॉपर्स होते हैं वो मतलब आखिरी में या उन्होंने पहले से स्टार्ट करा होता है, वो बचपन से 9-10 से पढ़े हुए होते हैं इस चीज के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। आप जो भी आप इस चीज जो भी एग्जाम आप कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी, चाहे वो जेई हो या नीट हो, आप उसमें कंसिस्टेंसी जब तक नहीं लाओगे, यानी कि आप हर रोज नहीं पढ़ोगे, आप उसे क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है हमेशा, और हमेशा अपने गोल के ऊपर वर्क करते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जिस टाइम पर आपके दिमाग में ये चीज आ गई तब वो थोड़ा बुरा होगा, तो हमेशा मोटिवेटेड रहना है। तो यार गाइस मेरे पास ये आ गई हमारे पास फोर्थ वीक की केमिस्ट्री, ये मेरे ख्याल से रिडॉक्स रिएक्शंस हैं टॉपिक, रिडॉक्स के क्वेश्चंस हैं, तो आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग क्या है, MnO4- plus Br- ये रिएक्शन करा रहा हूं मैं, एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड आर MnO2 plus BrO3-। अब आप देखो यार, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहां पर है +4। बेसिक जो मेथड है हमारा बैलेंस करने का इक्वेशन, n फैक्टर इसका कितना हो गया Mn का 3, यहां पर Br का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहां पर Br का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो इसका n फैक्टर हो गया 6, मैं रिड्यूस कर देता हूं, तो मेरे पास फाइनल जो रिड्यूस टर्म्स आई वो आई 1 फॉर दिस एंड 2 फॉर दिस, मतलब n को मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 और n को मैं लिख सकता हूं यहां पर 2। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इससे और इससे, और इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इससे और इससे। अब मेरे पास क्या चीज है, twice of MnO4- plus Br- gives twice of MnO2 plus BrO3-। अब यार आपको दिख रहा है सिर्फ बी ऑप्शन है जो कि मैच कर रहा है। अब आपको कई लोग कहेंगे यार H2O OH को भी बैलेंस कर लो, उसका भी रूल आपको पता है, पहले आपको O को बैलेंस करना होता है, उसके बाद आप आराम से वाटर ऐड करके किसी भी साइड जहां पर रिक्वायर्ड होगा आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। यार ऐसे क्वेश्चंस में ना जो आपके ऑप्शंस वाले हैं, इस साल आपने नीट 2021 में देखा होगा बहुत सारे मैच द कॉलम्स आए हुए थे, और बहुत सारे रिव्यूज थे स्टूडेंट्स के कि उनका पेपर पूरा नहीं हो पाया क्योंकि पेपर लेंथी था, लेंथी नहीं कह सकते हम उसे, ट्रिकी कह सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आपको पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, H2 और OH के कोफिशियंट निकालने बैठोगे, आई एम श्योर आपका सही आ जरूर जाएगा, लेकिन आप उसमें 2 और 3 मिनट अपने एक्स्ट्रा दे रहे हो। जब आपका आंसर 2 और 1 यहाँ देखते ही बी पार्ट आ गया, तो बी कॉन्फिडेंट कि मैंने सही निकाला है, और बी को टिक करके आगे बढ़ो। आप सोचो यार उस टाइम जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा, और उस प्रेशर में आपके लिए एक एक मिनट बहुत प्रेशियस होगा, तो आप सोचो 3-4 मिनट में जितने में आप इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करोगे, उससे उस टाइम में आप अपने बायो के कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। सो गाइज आपको स्मार्ट वर्क जरूर करना है हार्ड वर्क के साथ साथ, बिकॉज 2 साल की मेहनत आपकी जरूर है, या जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए वो मेहनत तो आपकी जरूर है, बट यू हैव टू एक्ट वाइजली ड्यूरिंग द एग्जाम। तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर बी पार्ट मार्क करूंगा, which is 2 and 1, and it is the correct answer. अब मेरे पास next question है. Next question मेरे पास क्या है? H2O2 acts as a reducing agent. अब H2O2 reducing agent है, मतलब वो किसी दूसरे atom को reduce कर रहा होगा. हमारे मतलब H2O2 खुद oxidize हो रहा होगा. Now H2O2 खुद कहाँ oxidize? अभी आपने just question करा chemistry में, आपको दीप सर डिस्कस करा के गए थे कि H2O2 on oxidation gives O2. O2, अब यहाँ पर आप देखो I2 से I- reduction, H2O2 ने क्या दिया O2, यानी कि यहाँ पर ये reducing agent है। अब यहाँ पर भी H2O2 क्या दे रहा है, O2 दे रहा है, तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, oxidation कर रहा है, नहीं ये अपनी oxidation कर रहा है, और Cl की जो कि यहाँ +1 state में है उसकी reduction कर रहा है।
और H2O2 plus PbS, यहाँ पर ये H2O दे रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसकी, सल्फर की, सल्फर यहाँ पर माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर सल्फर की प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हियर इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, वन एंड टू। तो आपने देखा गाइस हाइड्रोजन ब्लॉक एच ब्लॉक जो आपका हाइड्रोजन में एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है परऑक्साइड के बारे में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, उसका क्वेश्चन आपको रिडॉक्स में भी फायदा दे रहा है। तो यार आपके हर टॉपिक आपका लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, तो आपको हर टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग रखना है और हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार सेम हमारा बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया, सेम कंसेप्ट लगाऊंगा मैं, जैसे कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन बैलेंस करा, इक्वेशन बैलेंस करिए, सेम कंसेप्ट से करेंगे। सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस एस ओ थ्री टू माइनस, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है सी आर प्लस थ्री प्लस सल्फेट आयन। अब यहाँ पर मैं पहले इसके आगे टू लगा देता हूँ, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द एटम्स विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहाँ पर आप देखोगे जो एन फैक्टर है इसका सिक्स आ रहा है, क्यों, यहाँ पर इस पर चार्ज एक सी आर एटम के लिए चार्ज का चेंज आ रहा है प्लस थ्री का, तो एन फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं moles of electrons gained or lost by one mole of any species. इसके एक मोल में CR के दो एटम्स हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो gain of electrons होगा वो होगा six mole of electrons, इसका एक मोल छह मोल electrons gain करके CR plus three में जाएगा, तो इसका n factor हो गया plus six, और इसका यहाँ पर oxidation state है plus four, और यहाँ पर sulfur का oxidation state है plus six, यहाँ reduction हुई, यहाँ oxidation हुई, तो इसका n फैक्टर हो गया प्लस टू, तो मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ वन एंड थ्री। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थ्री को मल्टीप्लाई इससे करा और वन को इससे। अब उसने मुझे कोफिशिएंट पूछा है Cr2O7 माइनस का वन आ गया, SO32 माइनस का थ्री आ गया, और अब H प्लस का कोफिशिएंट मुझे पूछा है, जो कि अब इस इक्वेशन में जब मेरे पास दो ऑप्शन सेम आ जाए, अब मुझे जाना होगा आगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरे पास इन टोटल नाइन ऑक्सीजन एटम्स मेरे पास यहां पर है प्लस सेवन मेरे पास यहां है, तो यहां पर मेरे पास इन टोटल 16 ऑक्सीजन एटम्स है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वेर एज यहां पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 12 है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं 4H2O ऐड कर देता हूं, यहां पर भी मेरे पास 16 हो गए और यहां पर 8H+ ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास H+ का कोफिशिएंट आ गया 8, तो मेरा आंसर हो गया फर्स्ट पर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द अंडरलाइंड एटम्स इज रिड्यूस, मेरे ख्याल रिड्यूस है ये, हाँ ये रिड्यूस ही है। इसमें देखिए Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फोर और यहाँ पर है प्लस सिक्स, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हमारे पास है C2O4 2 माइनस CO2, यहाँ इसका प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ प्लस 4, दिस इज इंटरनल ऑक्सीडेशन, एंड CrO4 2 माइनस से Cr2O7 2 माइनस, ये कुछ नहीं है यार, यहाँ पर आप देखोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है, प्लस 6, और यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है, तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे Cl2 इज गोइंग टू Cl-, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये मेरे पास क्या है, रिडक्शन, तो मेरा आंसर क्या हो गया, फोर्थ पार्ट, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर ड्राई CaOCl2, हमने 10th में भी पढ़ा है और 11th में, तो हम और 11th 12th में तो हम और इसे अच्छे से पढ़ते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ पी ब्लॉक एंड रेडॉक्स रिएक्शंस, जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन। अब यार इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें, हमें ये पता है कि जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के मेटल्स होते हैं वो जो है हमारे पास एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो मेरे पास फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल्स हैं या सेकंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये सिर्फ ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो एक चीज तो मेरे पास कंफर्म है कि यहाँ पर Ca+2 पर +2 का चार्ज हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, तो मेरे पास दूसरी स्पीशीज जो बनेगी वो बनेगी OCl2-। अब ये कैसे एग्जिस्ट करेगी, इट वुड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ OCl- एंड Cl-, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका -2, नेट चार्ज आ गया -1, और यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1,
तो यार ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही एटम दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। आपने देखा Cl यहाँ पर प्लस वन चार्ज है, यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है और यहाँ पर उसका माइनस वन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। तो यार अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम परॉक्सी लिंकेजेस आर प्रेजेंट है। तो यार मैं सबसे पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ परॉक्सी लिंकेजेस के बारे में। परॉक्सी लिंकेजेस वैसे तो सबको पता ही होगा हमारे पास कि परॉक्सी लिंकेज क्या है, जब हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम साथ जुड़े हों और उनके ऊपर माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, बेटर टू बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओ टू टू माइनस। अब हमें देखना है मैक्सिमम परॉक्सी लिंकेजेस आर प्रेजेंट है। फर्स्ट हमारा कंपाउंड है H2SO5, दिस इज परॉक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या मेरे पास है ये कैरोज एसिड, इसका कॉमन नेम ये जिससे हम जानते हैं इसे कैरोज एसिड। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं आपके लिए तो ये कुछ ऐसा होता है। तो गाइस इसमें मेरे पास देखिए आप सल्फर के सिक्स बॉन्ड्स कंप्लीट है, ऑक्सीजन आइटम्स मेरे पास फाइव कंप्लीट है और दो एच आइटम्स। तो परॉक्सी लिंकेज मेरे पास इसमें आई सिर्फ और सिर्फ वन। अब नेक्स्ट मैं चलता हूं, हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है CrO5, और नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो मेरे पास CrO5 है। ये कंपाउंड मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है CrO5, इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं CrO5। ये आपके पास CrO5 है जिसमें कि आपके पास कितनी परॉक्सी लिंकेजेस, दो परॉक्सी लिंकेजेस है, ये और ये। यहाँ पर CR का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है, प्लस टेन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है H2S2O8, दिस इज नोन एज डाइपरॉक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि दो परॉक्साइड लिंकेज, या कि आपका मार्शल्स एसिड H2S2O8। मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको। इसमें आपको ये करना है H2O8, ये देखो ये आपका है। इसमें भी एक्चुअल में ये आपका कैरोज एसिड है और ये आपका मार्शल एसिड है, ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये इसका स्ट्रक्चर है मार्शल एसिड का। इसमें भी मेरे पास एक ही परऑक्साइड लिंकेज है, आई हैव एट ऑक्सीजन एटम्स, टू हाइड्रोजन एटम्स एंड टू सल्फर एटम्स। एक्चुअल में आप इसको टी ब्लॉक चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं या आप रेडॉक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये आपका मार्शल्स एसिड हो गया, मार्शल्स एसिड कॉमन नेम इसे हम जानते हैं जिससे। नेक्स्ट है आपका K3CrO8, विच इज आपने अभी तक देखा सिर्फ इसमें आपके पास दो परॉक्साइड लिंकेजेज आई और फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में आपके पास एक एक परॉक्साइड लिंकेजेज आई। तो अब हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन K3CrO8- CrO8-3- का स्ट्रक्चर देखते हैं हम पहले। ये आपका स्ट्रक्चर है हमारा फोर्थ कंपाउंड का, फोर्थ कंपाउंड का स्ट्रक्चर। यहाँ आपका K+, K+, K+। तो आपने देखा यहाँ एट ऑक्सीजन एटम्स, वन Cr एटम एंड थ्री K+ आयंस। तो यहाँ पर आपके पास फोर परऑक्साइड लिंकेजेस हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ पार्ट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ परॉक्साइड लिंकेजेस हैं। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज एम्पिरिकल फार्मूला CH2O? CH2O का एम्पिरिकल फार्मूला इनमें से किस कंपाउंड का है? तो यार अब इस क्वेश्चन की ये बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला देखना है। ये आप शायद एसिटिक एसिड यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे कि एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो CH3COOH, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C2H4O2। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे रिड्यूस करूं तो CH2O, द डिजायर्ड फॉर्मूला। ये तो आप देखते ही बता दोगे, क्योंकि बाकी सबको यार ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जरूर जब प्रैक्टिस करें ट्राई करें, लेकिन जब एग्जाम में आप देखेंगे इसे तो आपको CH3COH एक कॉमन एग्जाम्पल पढ़ाया ही जाता है कि CH2O इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, उसमें आपको देखते ही ये टिक करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट, विच इज एसिटिक एसिड CH3COOH। तो यार अब मेरे लास्ट दो क्वेश्चन है, लास्ट टू क्वेश्चन इस केमिस्ट्री के फोर्थ वीक के लिए। हमारे पास है
मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन इथेनॉल, इथेनॉल में मुझे हाइड्रोजन का मास परसेंटेज चाहिए, यानी कि मेरे पास इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हुआ, C2H5OH। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तो इट वुड बी 24 + 6 + 16 विच इज इक्वल टू 46, और इसमें हाइड्रोजन एटम्स का मास निकालूंगा तो इट वुड बी इक्वल टू +6। अब मैं परसेंटेज निकाल दूं, परसेंटेज के लिए मुझे 6/46 इनटू 100 करना होगा यार, तो यार ये सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन पार्ट है कि 600/46 आपको करना है, और आंसर हमारे पास आ जाएगा, लेट अस सी, हम इसे देख लेते हैं एक बार, 300/23, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है आंसर आ जाएगा 13 point कुछ आएगा आपके पास आंसर, 13.04, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, आपने मूल कंसेप्ट में भी पढ़ा है हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वीक की केमिस्ट्री का, और हमारा आज की डिस्कशन का भी लास्ट क्वेश्चन, हम इसे देखते हैं और इसके बाद अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। तो यार हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमारे पास O2- आयंस है, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपके पास 3.2/16 जो मोल्स हैं वो 0.2 मोल्स आ गए O2- के, 0.2, एक मोल O2- में मुझे दिख रहा है देर आर 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 0.2 मोल्स में मेरे पास देर वुड बी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 12 × 23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1.2 × 10^24 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ पार्ट, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही करा। तो यार ये हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ वीक की फिजिक्स हो गई और फोर्थ वीक की केमिस्ट्री डिस्कस हो गई, तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूंगा फॉर बेसिकली विजिटिंग आवर चैनल, और मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा यार, स्टे मोटिवेटेड, स्टे चार्ज्ड अप, एंड अपने जो गोल है उसकी तरफ फोकस अपना बना के रखिए और करते रहिए, और जेनेसिस डिजिटल से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि यार ये क्वेश्चंस जो हैं दीज आर डिजाइंड बाय एक्सपर्टीज, और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप सोचो जब 11th और 12th में आपके नियरली 100 चैप्टर्स हो जाते हैं टोटल, जो आपके नीट एग्जाम में आने होते हैं, तो उसमें आपको सिलेक्टिव स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, सिलेक्टिव स्टडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखना है। तो यार ये कुछ क्वेश्चंस वही हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी वेटेज या एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं, तो आपको मैं यही थैंक्स ही कहना चाहूंगा, एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल, थैंक यू।